महानिरीक्षक एम शैलेंद्रम सनातन धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ओर जहां वे अपने धर्म को प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तानाशाही और दादागिरी दिखाकर मनमाने तौर पर कार्य करवाया जाता है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों ने लगाए हैं। दरअसल इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह महाशिवरात्रि के अवकाश को निरस्त कर कार्य दिवस चालू किया गया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के सभी उप पंजीयन कार्यालय महाशिवरात्रि के दिन भी चालू रहेंगे, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपा गया है। और प्रकोष्ठ के सदस्यों ने यह मांग की है कि सनातन धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। यदि महाशिवरात्रि के दिन अवकाश घोषित नहीं किया जाता है, तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। पंजीयन के महानिरीक्षक हैं आईजी एम शैलवेंद्रम, चूंकि वो जो उनका व्यक्तिगत धर्म है वो क्रिश्चियन है, और उस बात को पोषित करते हुए वो भारत की व्यवस्था को और संविधान को ताक पर रखकर वो हमेशा जो मिशनरी का लक्ष्य है उसका परिपालन करते हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने नव दुर्गा में पंजीयन कार्यालय चालू किया था, जिसका विरोध हुआ था। इस वर्ष भी हमारे भारत राष्ट्र का जो महत्वपूर्ण महापर्व है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने पंजीयन कार्यालय चालू करके और सनातनी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इससे जनता में अत्यधिक रोष है, इसलिए उनके द्वारा ये जो काम करने का जो आदेश पारित किया गया है उनको तत्काल निरस्त करके और छुट्टी घोषित किया जाए, क्योंकि ये शासकीय छुट्टी भी है और इस छुट्टी ये छुट्टी जो है ये हमारे धर्म का अधिकार है और धार्मिक अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये तानाशाही हिटलर शाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी भारत की जनता, और उनको कुर्सी छोड़ना पड़ जाएगा भाई। जबलपुर से टीम लोक मंगल।